ओम शांति। आज 23 फरवरी 2022 के साकार परमात्म महावाक्य ज्ञान के सागर सुखदाता सर्व गुणों के शक्तिदाता हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वरस नहीं आता। तो सभी बोलो प्यार से मीठे बाबा, रस आ गया ना मुख में मिठास का। हाँ जी बाबा, प्रश्न है कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है मनुष्यों का नहीं? उत्तर, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं, यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता हूँ, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। बाबा हम सभी को पावन बनाने की युक्ति और पावन बनने की युक्ति जरूर बताते हैं पावन बनाने के लिए, परंतु किसी की बीमारी ठीक कर देना आदि वो तो बाबा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अपना हिसाब किताब खुद ही चुप तो करना है, बाबा उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता ना। ऐसे कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। साकार समय में अमृत वेला मस्त पवन जो हमारा गीत है अमृत वेले का वो नहीं था, तब यही टोन बजता था उस समय। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं, माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र, और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसा पैदा करे? अब कहते गॉड फादर अपनी स्त्री के बिगर बच्चों को कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता, यह हो गई फैमिली, वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और गॉडफादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। सभी फैमिली में हम है हाँ जी बाबा। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह दिवाला मारते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉडफादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी, एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई है, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं, फिर कह देते जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल ब्रदर फादर्स। हाँ, ये कहना के जिधर देखता हूँ तू ही तू, माना क्या हो गया? परमात्मा सर्वव्यापी कहना हो गया, माना वी आर ऑल फादर्स हो गया। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना, उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वह सत्य है, सच बोलने वाला है और
सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। सत्युग त्रेता नए घर से पुराना होता है। स्वस्तिक के भी चार भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, गाते भी है चढ़ती कला, तेरे भाने सबका भला। जैसे जैसे हमारी चढ़ती कला होती है, आत्मा श्रेष्ठ बनती जाती है, तो सभी का भला होता जाता है। कहे हाँ जी बाबा। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती है जब अपने को बच्चा समझते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। गीता का भी रचयिता कौन है? तो बाबा कहते हैं भगवान है ना, तो भगवान ही पतितों को पावन बनाने वाला है ना। कहे हाँ जी बाबा। भगवान उवाच, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, क्योंकि परमात्मा परम धाम में रहता है और हम नीचे सृष्टि पर पाठ बजाने आ जाते हैं। कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा? फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल अर्थात नंदी बना दिया है, पर ब्रुकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी ब्रुकुटी में रहती है। कोई पितर आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं ब्रुकुटी के बीच में चमकता है। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं?
या ब्रह्मा को या विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, पाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं। भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूँ। बाबा क्लियर डायरेक्शन देते हैं। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर सभी है नंबर वन, है ना? ऐसे ही है। हाँ जी बाबा, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए ना। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे। सो भी संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय, परंतु देवताओं के पहले क्या था तो नहीं जानते ना वो लोग। अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, अपना मन शिव बाबा में लगाना है। लगाया है ना सभी ने? है। हाँ जी बाबा, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सत्युग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वो तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वह कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान उवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है। भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर। जानते और मानते हैं ना सभी? है। हाँ जी बाबा, फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसे स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी है। ड्रामा में भी इतने पार्टधारी है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। ड्रामा का जो होता है, मूवी जो होती है, उसका कितना होगा? मैक्सिमम 4 घंटे। बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है इसका रील कितने साल का है? 5000 साल का। सभी को निश्चय है? हाँ जी बाबा। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने गपोड़े हैं, मौत सामने खड़ा है, कभी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूँ ज्ञान से सोचरा करने। इस समय मनुष्य में देखो क्रोध कितना है,
लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने हैं। यह है आसुरी सृष्टि, यह है ईश्वरीय सृष्टि। चलना है ना सभी को वापस पावन दुनिया में। कहे हाँ जी बाबा। राम और रावण, ये नाम दोनों भी मशहूर है। रावण का अर्थ कोई समझते नहीं है। नर और नारी दोनों में 5 विकार है, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 पूजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज बनेंगे ना सभी। हैं हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। इतनी मेहनत कर रहा है बाबा हमारे पीछे तो उतना तो फल देंगे ना हम। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं, मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भी पिता, हमारा लौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, उसका भी पिता शिव बाबा, हमारा दादा हो गया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर तो हक होता है ना पोत्रे पुत्रियों का। तो बाबा कहते हैं, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है ना। विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। कहे हाँ जी बाबा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेगी। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र। बाकी सब शास्त्र है बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रिय की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो, फिर रजो और फिर तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वो पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म न हो तो दंड मिल न सके। सत्युग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं है तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। यह समझने की बातें हैं। विकर्माजीत संवत भी है, फिर है विकर्मी संवत। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा। मोहजीत है लक्ष्मी नारायण। वह है राम राज्य। अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद है रावण राज्य। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो, जानते हैं ना सभी। है हाँ जी बाबा। तुम सब गॉडफादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकिलदे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है, याद से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। कर रहे हैं ना सभी ऐसा ही पुरुषार्थ? कहे हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा ज्ञान सोचरे में रहना है, बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। इसका मीठा वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसका विश्लेषण है, यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। सभी ऐसे भाग्यवान आत्मा व्यर्थ को स्टॉप करने वाले? कहें हाँ जी बाबा। सेकेंड में स्टॉप हो जाए। आज का स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। आज का हमारा सम्मान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।